छोटे भाई गुलशन का निधन, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। रोहतक में दोपहर 3 बजे होगा अंतिम संस्कार। सम्मान समारोह में शामिल नहीं होंगे सीएम मनोहर लाल, अब सीएम की जगह डिप्टी सीएम करेंगे ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित। सीएम के भाई गुलशन का आज ही हुआ है निधन। हरियाणा सरकार आज पंचकुला में पदक वीरों को करेगी सम्मानित। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 30 खिलाड़ियों को करेंगे सम्मानित। राज्यपाल और खेल मंत्री भी समारोह में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर आतंकी हमला, एक बच्चे की हुई मौत, 4 लोग घायल। आतंकी वारदात के बाद घाटी में सुरक्षा बल अलर्ट पर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,120 नए मामलों की पुष्टि। कोरोना से 585 संक्रमितों ने गवाई जान, इलाज के बाद 42,000 से ज्यादा ने कोरोना को दी मात। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामलों की हुई पहचान। बीते रोज कोरोना से एक मरीज ने गवाई जान। प्रदेश में कोरोना के 672 एक्टिव मरीज। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस के लिए ध्वजारोहण कार्यक्रम जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में फहराएंगे तिरंगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गुरुग्राम में करेंगे ध्वजारोहण। तो शाम अनाज मंडी में किसान संगठनों की बैठक, 51 सदस्यों की समिति की गई गठित। 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का किया फैसला। हरियाणा के नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी ने बनाया 3 नामों का पैनल। पीके अग्रवाल, आरसी मिश्रा और अकील मोहम्मद का नाम शामिल। प्रदेश सरकार इनमें से किसी एक को हरियाणा का नया डीजीपी करेगी नियुक्त। भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा लॉर्ड्स टेस्ट का पहला दिन। केएल राहुल ने जड़ा अपना 6ठा शतक। स्टंप्स तक टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन।